डली है, जिसमें इन्होंने एक नया ही बिटवीन समझ दिस इज अ ट्रीट फॉर ऑल विस्की लवर्स ऑफ ऑल एजेस. नहीं आ रहा था कहाँ से मंगाओ ये विस्की, जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड जो नई विस्की है जॉनी वॉकर की, तो मैंने अपने जो गुड़गांव के आदिवासी हैं उनको कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बताया कि 1500 रुपये में अवेलेबल है जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड. शायद इसी वजह से इससे कोई उम्मीदें नहीं है क्योंकि दिल्ली में 1750 रुपये की रेड लेबल आती है. तो मैंने मंगा ली 2 बाटली जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड 3000 रुपये में, और 4000 की मुझे पड़ी टैलिस्कर सिंगल मॉल्ट स्कॉच. बाहर ना इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था वो लेके आया बॉर्जो से, 31 रुपये टिप भी दिया है उसको. अपना दिन बुरा जा रहा है तो किसी और का दिन अच्छा करो, उसमें ही है असली शराबी, असली शराफत. कभी ना होगी कोई अब दूरियां, जादू है नशा. शायद ज़िंदगी में ऐसे कुछ चंद लम्हे होते हैं, कोई ऐसी ऐसी हादसे होते हैं जो इतने स्पेशल होते हैं, जैसे कि एक नई जॉनी वॉकर की विस्की को ट्राई करने वाला. मैं जानता हूँ जॉनी वॉकर ने काफ़ी परेशान किया है हमें अपनी क्वालिटी के साथ. रिव्यू दे जॉनी वॉकर का. सो विदाउट मच फर्दर अडू, सामने लिखा है जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, ब्राइट फ्रूटी स्मूथ परफेक्टली क्राफ्टेड फॉर मिक्सिंग. 700 मिलीलीटर्स की बॉटल है, 1500 रुपये की आई है गुड़गांव से. अब देखना ये है कि क्या है ये इसमें. पंगे तो हम लेते हमेशा, सीखते नहीं. इसके कैप की बात करूँ तो बड़ा साधारण सा कैप है, लेकिन बॉटल ड्रिंक स्टॉपर लगा हुआ है इसमें, इसको नोजिंग ग्लास में डालते हुए. ड्रिंक पूरा समर की याद दिला रहा है आपको, एटलीस्ट मुझे तो दिला रहा है. अगस्त 2022 में इसका जन्म हुआ था, और मेरे ख्याल से क्या चेक करते कितना इसमें ABV है, 40%, 40% ABV है, विच मीन्स इट्स गुड फन विस्की. स्मेल क्या बोलूँ मैं, पुकारती हुई, चीखती हुई. कलर बहुत ही लाजवाब, नाइस एंड ब्लॉन्ड, क्वाइट एन अमेजिंग पेशकश. मेरे ख्याल से चीपेस्ट विस्की होगी जॉनी वॉकर की ब्लॉन्ड. रेड लेबल गुड़गांव में 1000 रुपये की आती है, बट अगर ये 1500 की आ रही है तो मतलब दिल्ली में मुझे नहीं पता 2-2500 की जब आएगी, दिल्ली में है ही नहीं अवेलेबल. एक सिप लेते हैं आप लोगों के लिए. सिप से मैं स्मेल से मैं कहना चाहूँगा काफ़ी उभरती हुई स्मेल है, काफ़ी कॉन्फिडेंट स्मेल है, काफ़ी इसमें कुछ ना कुछ बात है, काफ़ी अच्छे एहसास लेके आ रही है साथ में, अच्छी फितरत है इसकी. सो फार कुछ स्मेल करके पता चल जाता है. वाओ, परफेक्ट, क्या बाइट आया ड्रिंक में. मतलब इधर लिखा है फ्रूटी, फ्रूटी सुन के आप सोचेंगे यार विस्की फ्रूटी कौन पीता है, ब्राइट स्मूथ सुन के सोचेंगे ये तो सब लिख देते हैं, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल टेस्ट. मतलब एक बहुत ही अच्छा क्रीमी डिलिशियस टेस्ट आया है मुझे पहले सिप में विद जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड. अब देखना ज़रूरी ये है कि क्या ये बर्फ के साथ भी सेम फितरत अपनाएगी या इसकी फितरत कैसी होगी. तो इत्तेफाक की बात है, मैंने जानबूझ के नहीं, पर बहुत सारे ग्लासेस पड़े थे लेकिन मेरे हाथ में जॉनी वॉकर का ग्लास आ गया. सो आई एम गोना पुट सम एंड जस्ट गोना ट्राई टू मेक अ लार्ज विद आइस एंड वाटर. कि जॉनी वॉकर पी रहे हो यार, लार्ज ही पियो उसके आइस एंड वाटर के साथ, कोई ज़रूरत नहीं 30 ml वगैरह करने की, वो टाइम गया शराफत नसीहत का. ये 3 ice cube, ये ग्लास में समझ नहीं आता कि ज़्यादा डालो कि कम डाला है, क्या डाला है, पर कोई बात नहीं, 5 मिनट वेट करेंगे बच्चन साहब, अभी 5 मिनट वेट करिए.
पहला सिप आइस एंड वाटर के साथ। अब देखिए विस्की मैं तो ऐसे ही पसंद करता हूँ, और काफ़ी समरी है, काफ़ी पॉपी है, बट आइस एंड वाटर के साथ देखते इसकी कैसी फितरत है। मैंने बनाया है 60 ml विद 3 cubes ऑफ आइस एंड होम वाटर। ऐसा लग रहा है साल की शुरुआत हो गई है, मार्च 28, 2023 को एक और जन्म ले लिया है साल ने। मतलब क्या लाजवाब टेस्ट है इसका, मैं क्या बोलूँ आपको। इट इज़ क्वाइट अ कॉन्फिडेंट टेस्ट, मतलब बिल्कुल जो ये अपने नोज में प्रॉमिस करता है उस वही गिफ्ट आपको अपने टेस्ट में देता है। क्रीमी टेस्ट है इसका, लिटिल बिट बटरी बट वेरी वेरी फ्रूटी एंड क्रीमी। एसेंस बहुत अच्छा है इसका, बिकॉज कई बार क्या होता है किसी ड्रिंक को क्रीमी या फ्रूटी बनाने की आड़ में जो विस्की मेकर होता है, निर्माता होते हैं, वो भूल जाते हैं किस तरीके उसको परखे क्या करे। द गुड न्यूज इज जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड। सेकेंड ड्रिंक टाइम यार, स्पीड है तो है यार, क्या करें। ये एक और ड्रिंक बना दिया है, बहुत स्मूथ ड्रिंक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक ख़त्म हो जाएगा। और बीच में एक ये देख के देखते हैं कि क्या नीट में इसमें क्या स्वभाव है दोबारा, ताकि हम फ्लेवर से परिचित हो सके, क्योंकि मुझे इतना ये वो नहीं लग रही, इतनी हार्ड कोर ड्रिंक नहीं लग रही। तो ये 5 मिनट वेट कर रहा है, आई एम सेटिंग अ टाइमर, 5 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया है। अगर स्मेल की बात करूं तो रेड लेबल में जो खटास है वो मिसिंग है इसमें। रेड लेबल मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आई कंसिडर रेड लेबल एज वन ऑफ द टॉप 20 विस्कीज आउट देयर। प्राइस डजंट मैटर, मतलब प्राइस डज मैटर, बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगती है रेड लेबल। मुझे दिल करता है बार बार वही पीऊँ। मुझे ब्लैक लेबल बहुत पसंद है, लेकिन जो ब्लैक पन ब्लैक लेबल का फ्रूटी पन है राइट, जो उसमें फ्रूटी एसेंस है, वो इसमें मिसिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उसकी जगह एक या दो डिमेंशनल होने के बावजूद ड्रिंक को काफ़ी बेहतरीन बनाया है। वाह, मतलब किक बहुत अच्छी आ रही है। मैं कहूँगा नीट पीने के बाद जो रेड लेबल आपको किक देता है, उससे कई बेटर किक है इसकी। और जो स्पाइस हम एक्सपेक्ट करते हैं हर विस्की का, जो रियल नेचर होता है, वो उसके आफ्टर टेस्ट में मौजूद होता है, बयान होता है। लेकिन इस विस्की का आफ्टर टेस्ट काफ़ी सहमा हुआ है। इट्स क्वाइट नाइस, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। मैं पी के ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ ये जॉनी वॉकर की विस्की है, बट इन्होंने अजीब सी शतरंज की चाल चली है, जिसमें इन्होंने एक नया ही बिटवीन रेड लेबल एंड बिटवीन ब्लैक लेबल एक प्रेसिडेंस सेट किया है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप इसको किसी विस्की से कंपेयर करना चाहोगे तो एक ही विस्की दिमाग में आ रही है, ब्लैक डॉग। लेकिन ब्लैक डॉग इंडस्ट्रियल ड्रिंक है, उसमें कहीं ना कहीं जो क्राफ्टमैनशिप हम हर एक अल्कोहल बेवरेज से एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत मिसिंग है, राइट? यू वुड अग्री। इसमें वो क्राफ्टमैनशिप भी है और वो इंडस्ट्रियल एलिमेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका किक और इसका जो स्वभाव एंड ओवरऑल नेचर है, इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। दिस इज़ अ ट्रीट फॉर ऑल विस्की लवर्स ऑफ ऑल एजेस। इवन इफ योर फादर लाइक्स ब्लैक लेबल एंड इट्स हिज फेवरेट ड्रिंक, गिफ्ट हिम अ बॉटल ऑफ ब्लॉन्ड, ही विल बी लाइक, सन, दिस इज मेकिंग मी यंग अगेन। एग्जैक्टली माई पॉइंट, दिस इज अ यंग मैनस ड्रिंक। आई एम श्योर जब आप भी इसको पियेंगे आपको भी ये फील आएगी, बिकॉज दिस इज अ यंग मैनस ड्रिंक विद अ वेरी यंग हार्ट। Because it's nice, it's not very punchy. अगर आपको punchy whiskies पीनी है तो जॉनी वॉकर की कोई whisky punchy नहीं होती।
जो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, ना उनकी डबल ब्लैक पंची है, ना उनकी गोल्ड लेवल पंची है, ना उनकी ब्लैक लेवल पंची है। रेड लेवल में थोड़ा बहुत पंच है, बट दैट्स बिकॉज रेड लेवल थोड़ा रॉ ड्रिंक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये फ्रूटी बहुत ही खोता वर्ड है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मैं कहूँगा दिस इज़ अ वेरी एग्ज्यूबरेंट यंग ड्रिंक विच हैज़ अ वेरी नाइस मेलो फ्लो एंड इट्स अ वेरी 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 फ्रेंडली ड्रिंक, यू नो, कंपेयर टू रेड लेबल एंड ब्लैक लेबल। मैं कहूँगा ये ज़्यादा फ्रेंडली ड्रिंक है। आप इसके कलर अरेंजमेंट से ही बता सकते हो कि हाउ फ्रेंडली इट इज़। ये विस्की देगी टक्कर ब्लैक डॉग को, सनटोरी की टोकी को। मैं आपने थोड़ी जान डालनी है और जेम्स में थोड़ा तजुर्बा डालना है और थोड़ा अनुभव डालना है, तो उसको उसकी जगह आप ब्लैक डॉग सॉरी जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड लेके आइए। मैं थोड़ा हिल गया हूँ इतनी खुशी में। ड्रिंक काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो फार आई एम गोना प्रॉब्ली गिव इट फुल मार्क्स फॉर दिस प्राइस, 1500 रुपीज़ फ्रॉम गुड़गांव इज फुल मार्क्स। सो 5 मिनट हो चुके हैं, मैं भी थोड़ा बैठ चुका हूँ अपनी संतुष्टि के लिए। बीच में एक नीट पी ली आपके सबके सामने। चीयर्स गाइस। थंबनेल शूट हो चुका है, आई होप थंबनेल आपको पसंद आए। थंबनेल के लिए मैंने एक थोड़ा ज़्यादा नीट पी लिया। एनीवेज चीयर्स। स्मूदनेस इसकी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है विथ ऑल चीपर वेरिएंट ऑफ जॉनी वॉकर विस्कीज, जैसे कि स्मूदनेस इसकी रेड लेबल से मिलती जुलती है, लेकिन जो बाइट एंड बिटरनेस एंड स्पाइस है वो एलिमेंट मिसिंग है। उसकी जगह इन्होंने एक एलिवेटेड पीटीनेस दी है। पीटीनेस नहीं कहना चाहूँगा मैं उसको, मैं कहूँगा उसको चेस्ट नटीनेस इन्होंने दी है। यू नो दैट चेस्ट नट वॉलनट फ्लेवर यू गेट इन द आफ्टर टेस्ट ऑफ विस्की। जी हाँ, बिल्कुल वो मेरे अभी पैलेट पे आ रहा है। एंड विथ आइस एंड वाटर मिक्स इज वेरी फ्रेंडली। अगर मैं इसको जेमिसन से कंपेयर करूँ तो मैं कहूँगा जेमिसन थोड़ी ज़्यादा फ्लोरल है, ज़्यादा फेमिनिन है फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, जबकि ये थोड़ी कम फेमिनिन है। इज इट अ फेमिनिन ड्रिंक? आई थिंक दिस इज द आइडियल ड्रिंक फॉर समबडी इन द लेट 20s and people in their 40s will have it a couple of times, but they'll be like, nah man, get me my single malt. That's just how life is. Being me, being Kamal Anand, I will definitely have this whiskey as much as I can because I enjoy it so much. And just by having a few sips, I can tell you for a fact that it's not a whiskey that's going to make you completely regret your night or something like that. I think it's a very consistent, stable, soft drink. Not a soft drink, but you know what I mean, right? Like in terms of alcoholness, I think it's a 6/10. मतलब ये जेमिसन भी आप अगर पीते हो तो आप ये बता सकते हो कि जेमिसन विस्की किसी को नहीं चढ़नी यार, रामपुर विस्की किसी को नहीं चढ़नी यार, कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट राइट नाउ। ठीक उसी तरीके जैसे बीरा 91, वो जो वाइट कैन लेके आप खड़े थे ना कल रात को नीचे अपनी गाड़ी के साथ, वो बीरा वाइट, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। कल नहीं खड़े थे, परसों खड़े थे, मुझे याद नहीं। वो भी कैन किसी को नहीं चढ़ना है भाई, किसी से किससे झूठ बोल रहे हो, राइट? उसी तरीके से ये विस्की ज़्यादा चढ़ने वाली विस्की नहीं है। आपको अगर कोई भी विस्की आपको ज़्यादा चढ़ानी है तो ब्लू लेबल सॉरी ब्लॉन्ड एंड ब्लैक एंड रेड लेबल आर नॉट द विस्कीज टू डू इट। ब्लैक लेबल आपको हिट देगी 3 विस्कीज के बाद, फोर्थ ड्रिंक जब आप उसका पियेंगे लार्ज, तब आपको जाके समझ आएगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। सो आई हैव नो नेगेटिव्स क्योंकि इसकी प्राइस इतनी अच्छी है, 1500 रुपये गुड़गांव से पैसा वसूल। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि विस्की बिल्कुल जेन्युइन है। गुड़गांव ने बहुत नाम खराब किया हुआ अपने, बहुत फेकनेस है वहाँ पे, बहुत गंदी विस्की जाती है। जब मेरे को मेरे डीलर ने बोला 1500 रुपये की है, मैंने कहा यार शायद ये गुमनाम है कोई, पर फिक्र मत करिए, हम हर चीज़ का पर्दाफाश करते हैं और हम 2 बॉटलें लेके आए हैं, सेकंड बॉटल किसी को गिफ्ट कर देंगे, आप लोगों को नहीं गिफ्ट करेंगे। चलो एक 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 उसूल बना देते हैं भाई, अगर आपको सही लगे तो। इफ दिस वीडियो गेट्स 500 लाइक्स बाय June 1st, आई विल गिव अवे टू वन ऑफ द कमेंटर्स, यू नो। सो इफ यू मैनेज टू गेट, फिक्र मत करो, वो भी इसकी मैं शायद किसी को गिफ्ट करूँ या ना करूँ, बट मैं ज़रूर एक ब्लॉन्ड जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड आप सबको गिफ्ट करना चाहूँगा अगर आप 500 लाइक देंगे इस वीडियो में। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कमेंट्स, मुझे कमेंट्स का भूखा, आई वॉन्ट टॉक टू यू गाइज, यार कैसे लोग यार, कम एंड टॉक टू मी मैन। ओके शांत हो जा।
Lovely whiskey, 9/10. Absolutely loved it. Was not expecting it, but was expecting it because I know I like Johnnie Walker. जबकि इनकी बहुत ड्यूटी फ्री में फेक विस्कीज आई थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने कारनामे दिखाए थे. बट सो फार इसको लेके आओ, सारे के सारे ड्रिंकर्स को लेके आओ. वॉडका पी तो विस्की नहीं पीते, ये लेके आओ, ये लेके आओ. और जैसे मैंने ड्रिंक बनाया तमीज़ वाला, वो पी के देखो और मुझे फिर दसो कि क्या ये सही है कि गलत है. रिव्यू यही एंड करते हैं. शुक्रिया देखने के लिए, बहुत मज़ा आया मुझे, आशा करता हूँ आपको भी उतना मज़ा आया होगा. मेरा नाम कंवर आनंद है. मैं आई एम गोना बी 39 दिस ईयर. आई लिव इन न्यू दिल्ली, इंडिया, साउथ एक्सटेंशन. माई फेवरेट कलर इज़ मिलिट्री ग्रीन और कंस्पिक्यूस ग्रीन. मुझे हुमा कुरैशी बहुत हॉट लगती है, लेकिन मेरी एक बीवी भी है और मेरे, जैसे मैं कह रहा था, मुझे हुमा कुरैशी बहुत पसंद है. I have a wife, her name is Kanika, she's cute. I also have a son, his name is Kevin, he is almost 5 years of age. He's an okay guy, he's a good guy, right? My father is a lovely guy, my mom is excellent. My sister is a bit pissed off at me these days, but she'll come around because your siblings will be your parents when your parents won't be there, and that's how I live my life, bro. You gotta be close to your siblings. अगर आप sibling किसी के सगे बनोगे तो अपने best friend के सगे तो बनो, but साथ ही साथ अपने sibling की भी कहीं ना कहीं इज्जत करो, उनके साथ अच्छे relationship बनाओ. अच्छे relationship मतलब अच्छी ज़िंदगी. जो आपके दोस्त हो जिनके साथ लड़ाई हो रही है, उनके साथ जाके आप दोस्ती बनाइए, दोस्ती का हाथ आगे लीजिए. आप यू फील सो गुड. आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपके पेटीएम में 5 लाख प्लस कर दिया हो, राइट? अगर आपका पेटीएम 5 लाख सपोर्ट करता है, मुझे नहीं पता मेरा करता है कि नहीं, बट सोचो 5 लाख प्लस हो गए आपके बैंक अकाउंट में, उससे भी अच्छा लगेगा. क्योंकि मैन मेड कॉन्सेप्ट है पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट मैन मेड कॉन्सेप्ट है. रिलेशनशिप्स विल कीप यू स्ट्रॉन्गर, विल कीप योर कोर स्ट्रॉन्गर. सो बिलीव इन योर फैमिली, बिलीव इन योर फ्रेंड्स. ओकेजनली हैव फाइट्स विद एवरीबडी, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट ऑल आई डिड. I really enjoyed this video. I mean, if I'm allowed to say this, like, this is the video I've enjoyed the most in the last few months, man. I don't know why. I really had a good time. Thanks to Johnnie Walker. And before you go, because you came to my channel and you spent a few seconds of your life with me, बहुत मज़ा आया. अपने लिए भी किया, आपके लिए भी किया. 2023 ओला एट मी ब्रदर. पीस आउट. सो गाइज, दिस इज हाउ मच आई हैड इन वन सिटिंग. दिस इज द नेक्स्ट डे अराउंड 3 or 4 PM. दिस इज हाउ मच आई हैड. आई ड्रैंक अ लॉट. आई हैड अ डॉट शॉट बिफोर स्लीपिंग, वोक अप विद अ हैवी हेड, हैड अल्का सेल्सर. Too much, but a good whiskey nonetheless. Really enjoyed it.